दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि भगवान कौन हो सकता है, वास्तव में भगवान किसे कहते हैं, क्या आप भगवान हो सकते हैं, यदि भगवान हो सकते हैं तो भगवान के देखते हैं, देखे हैं भगवान को या नहीं देखे। भगवान तो पंच तत्व को बनाने वाला है, हमारा शरीर पंच तत्व से है और पंच तत्व के ऊपर की जो दुनिया है वह भगवान की दुनिया है। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सबसे परे है, भगवान सबसे ऊपर है, इनको छू भी नहीं सकता। तो भगवान का मतलब क्या है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान वह है जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जो जीता हो, दूसरे के लिए कार्य करता हो, जिसमें 1% एक मात्रा भी स्वार्थ की भावना ना हो, वह भगवान की श्रेणी में आ सकता है। भगवान हो नहीं सकता, भगवान तो एक ही है जो कि श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरु भी एक ही है जो श्री कृष्ण है। जैसे अभी जो है प्रत्यक्ष रूप में कहा जाता है कि सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, सूर्य कभी स्वयं के लिए नहीं है। सूर्य हमेशा करोड़ों अरबों वर्षों से खुद के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भावना से एक भी पल स्वार्थ न होते हुए वह दूसरे के लिए जीता है, चाहे उसको हम तारा कहें या ग्रह कहें, जो भी कहें वो हमारे कहने के लिए है। लेकिन क्या उसमें ऐसी शक्ति है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान रहता है और एक सूर्य से जितने भी ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं, सौर मंडल कहते हैं, करोड़ों सौर मंडल है। जैसे हमारे सूर्य के 9 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड कहलाता है, उसको सौर मंडल कहते हैं। ऐसे ही करोड़ों सौर मंडल हैं, लेकिन हम पृथ्वी में रहने वाले जीव एक ही सौर मंडल से परिचित हुए हैं। हम अपनी आँखों से दूसरे सौर मंडल को नहीं देख सकते हैं, चाहे हम कोई भी लेंस लगा लें। हाँ, दूसरा सौर मंडल जो ग्रह भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं, उनके गणना के अनुसार दूसरा सौर मंडल है, और भी बहुत से सूर्य हैं, इसका अनुमान ग्रहों और जो हम उपग्रह भेजते हैं उससे पता लगाया गया है। और विज्ञान ने कहा है कि और भी सौरमंडल ब्रह्मांड में विराजमान है, तो आकाशगंगा है, उल्कापिंड है, उसी तरह से जैसे जल है, जल का स्वयं के लिए नहीं है, जबकि जल का कार्य जो है दूसरे के प्यास बुझाने के लिए है, पेड़ पौधों को हरे भरे करने के लिए है। तो हवा है, हवा का भोग हम करते हैं, ये भी हवा भी वायु का भी स्वयं के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। तो पंच तत्व भी स्वयं के लिए नहीं है बल्कि दूसरे के उपभोग के लिए है। तो जो दूसरे के उपभोग के लिए है प्रत्यक्ष रूप से, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही साक्षात है। तो जैसे अन्न है, अन्न देवो भवः, अन्न को साक्षात परमात्मा कहा गया है। यदि आत्मा को, शरीर रूपी आत्मा को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आवश्यकता होती है, तो पंच तत्व में भोजन भी एक मुख्य भूमिका निभाती है, जिसके कारण आत्मा की जब आदमी रहेगा तो उसके आत्मिक शक्ति बढ़ती है, उसी को परमात्मा कहा गया है। वही प्रत्यक्ष रूप में अन्न है, जो अन्न परमात्मा साक्षात है। तो मैं जो बताया दोस्तों, मैं अपने ज्ञान के अनुसार, मुझसे भी ज़्यादा जानकारी शायद आप रखते होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में बाकी बातें, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।